नमस्कार। आपसे बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सुबह सुबह उठ जाते हैं, पीछे उगता हुआ सूरज, दूर स्कूल से आता हुआ बच्चों का शोर, चिड़ियों की चहचहाट, अपना ही मज़ा है सुबह उठने का। अब क्योंकि सुबह उठ गए हैं और सुबह सुबह की बात हो रही है तो हेल्थ पे बात करते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ के अपने फ़ायदे हैं, पर हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी ज़िंदगी का ब्लाइंड स्पॉट बन चुकी है हमारी हेल्थ। सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हेल्थ ही इम्पॉर्टेंट नहीं, जबकि होना उल्टा चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ इसी से जुड़ी। एक सेठ होता है, बहुत पैसे वाला इंडस्ट्रियलिस्ट, जिंदगी भर बहुत मेहनत करता है, बहुत बेहतरीन आलिशान सा एक मकान बनवाता है, कोठी बनवाता है, मकान भी नहीं कह सकते। और उस कोठी में हर तरह की सुख सुविधाएं, वो उस कोठी को हर तरह की सुख सुविधाओं से सुसज्जित करवाता है और फिर वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। हाउस वार्मिंग करता है, बड़ी सी पार्टी करता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। अभी रहते हुए उसको कुछ महीने ही बीते होते हैं कि एक दिन एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ उससे कहती है कि सेठ, मेरा समय अब हो चुका है, अब मैं जाऊंगी। वो आवाज़ उसकी आत्मा की होती है। उसकी आत्मा कहती है कि सेठ, ये जो मेरा घर था, तुम्हारा शरीर, अभी रहने लायक बचा नहीं, अब मैं जा रही हूँ। सेठ घबरा के उठ जाता है, कहता है, अरे तुम कैसे अभी जा सकती हो, अभी तो मैंने जीवन जीना शुरू किया है, अभी तो ये पैसा कमा कर देखो, ये आलीशान सी कोठी बनवाई है, अभी रहो, इसका मज़ा लो, कहाँ जा रही है। आत्मा कहती है, ये कोठी तुमने अपने लिए बनवाई है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तुम्हारा शरीर है। अब सोचो, अगर तुमने ये जो घर बनवाया है, कल ये टूट फूट जाए, इसमें सीलन आ जाए, बदबू आने लगे, पानी चूने लगे, टपकने लगे, प्लास्टर गिरने लगे, बिस्तर जो है उसको चूहे खा जाएं, उन गद्दों को चूहे खा जाएं, तो कैसा लगेगा, रह पाओगे उस घर में। सेठ को उसी पल एहसास हो गया उसने क्या गलती करी। ये सब भौतिक सुख बटोरने के चक्कर में अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं दे पाया और ठीक उसी पल उसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया। जीवन की इस आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना, उसमें क्या बुरा भला, उसमें क्या भला बुरा। जिस दिन मेरी चेतना जागी, मैंने पाया मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा हुआ है अपनी अपनी देन लेन में। मेला जितना ही रंग रंगीला भड़कीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमज़ोरी थी, जितना ज़्यादा संचित करने की इच्छा थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। ये मुट्ठी बहुत छोटी है आपकी, इसमें जितना आप संचित करना चाहेंगे ना, कम पड़ेगा। शरीर पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की इस खूबसूरत कविता के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम वो ये है कि ऐसे ही आपके साथ अपने विचार साझा करते रहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल है वेकअप एंड शाइन, यूट्यूब चैनल है, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोग का जो ये संवाद है वो चलता रहे। और हाँ, मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे विजय विक्रम 77 या फेसबुक पर विजय विक्रम सिंह के नाम से। मिलते हैं।